इस हफ्ते जो हिंदी फिल्म रिलीज हुई है सिनेमाज में वो है ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल आयुष्मान खुराना की नई फिल्म है। आयुष्मान खुराना इन दिनों उनका जो इंस्टिंक्ट है, उनका जो गट है फिल्म स्क्रिप्ट्स पिक करने का जो इंस्टिंक्ट है, वो आमिर खान के इंस्टिंक्ट के साथ कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि इन दिनों वो इतनी बढ़िया अनयूजुअल यूनिक फिल्में चूज कर रहे हैं। शुभ मंगल सावधान, बरेली की बर्फी, अंधाधुन, बधाई हो, दम लगा के ऐशा, बढ़िया फिल्में जो यूनिक हैं, जो ओरिजिनल हैं, जो अनयूजुअल हैं। ड्रीम गर्ल भी एक यूनिक अनयूजुअल किस्म की फिल्म है और आयुष्मान खुराना इस फिल्म में एक बहुत ही अनोखे अनयूजुअल किस्म का रोल प्ले कर रहे हैं। वो करम नाम का किरदार प्ले कर रहे हैं, जो मथुरा में रहते हैं। वो एक अनएम्प्लॉयड शख्स हैं, अनएम्प्लॉयड नौजवान हैं जिनको नौकरी की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पिताजी बहुत लोन्स के नीचे दबे हुए हैं। उनको नौकरी मिलती है तो एक कॉल सेंटर में। ये ये कोई ऑर्डिनरी कॉल सेंटर नहीं है, ये एक ऐसा कॉल सेंटर है जहाँ औरतें फ़ोन पर बात करती हैं मर्दों से, फ्रेंडशिप की बातें, सेक्स की बातें, यू नो, कंपेनियनशिप की बातें, ये इस तरह का कॉल सेंटर है। अब यहाँ ज़्यादातर नहीं, सभी औरतें काम करती हैं, लेकिन आयुष्मान खुराना यानी कि करम इस कॉल सेंटर में क्यों फिट होते हैं, क्योंकि बचपन से उन्हें उनकी एक गिफ्ट है जो वो औरत की आवाज़ निकाल सकते हैं, और यही गिफ्ट जो है, इसी गिफ्ट की वजह से वो रामलीला में सीता का रोल, राधा का रोल प्ले करते आए हैं। माइथोलॉजिकल जो प्रोडक्शंस होते हैं, जो रामलीला होते हैं, अब वही गिफ्ट उन्हें इस नौकरी में भी काम आता है। तो वो एक औरत का की आवाज़ निकालकर पूजा का किरदार जैसे क्रिएट करते हैं और यू नो मर्दों का दिल बहलाते हैं। क्या होता है कि अब बहुत सारे मर्द और एक औरत भी उनके वो पूजा जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती नहीं है, वो उन पर दिल आ जाता है इन सभी चाहने वालों का। और यही इस फिल्म की का क्रक्स है कि कैसे वो इतने सारे चाहने वालों से दिल छुड़वा सके, और ये भी कि उन्हें पता नहीं कि वो एक्चुअली एक मर्द से प्यार करते हैं, पूजा से नहीं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस फिल्म में कॉमेडी है, इस फिल्म में ह्यूमर है, जोक्स हैं, लेकिन जो जोक्स हैं वो ब्रॉड ह्यूमर हैं, ज़्यादातर स्टीरियोटाइप्स हैं। बधाई हो या शुभ मंगल सावधान या बरेली की बर्फी जैसा ह्यूमर नहीं है। वो ह्यूमर जो था, वो जोक्स जो थे, वो कॉमेडी जो थी, वो ऑर्गेनिक थी, वो सिचुएशनल थी, वो सटल थी। इस फिल्म में कुछ मोमेंट्स बहुत मज़ेदार हैं, कुछ सीन्स लाजवाब हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है इस फिल्म का ह्यूमर। मैं ये भी बता दूं कि इस फिल्म को कुछ ये सिचुएशन है मैस्कुलिनिटी के बारे में बात करने की, क्योंकि जाहिर तौर पर फिल्म का एक जो सबलिमिनल मैसेज है वो ये है कि आप अपने फेमिनिन साइड से भी कंफर्टेबल हैं या नहीं, और आयुष्मान का जो किरदार है वो बिल्कुल कंफर्टेबल है। लेकिन इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है जिस पे फिल्म मेकर यानी कि राइटर डायरेक्टर राज शांडिल्या कुछ गौर नहीं करते, कुछ ऐसे कोई इंसाइट नहीं मिलता हमें। एक्टर्स अच्छे हैं, बढ़िया एक्टर्स हैं इस फिल्म में। विजय राज हैं जो एक कांस्टेबल हैं जो पूजा से प्यार कर बैठते हैं, वो शायरी स्पाउट करते हैं, ऐसे बहुत किरदार हैं। एक महिला हैं जो एक मैगजीन एडिटर हैं, जिनके एक्सपीरियंसेस मर्दों के साथ इतने बुरे रहे हैं कि अब वो भी पूजा के साथ प्यार करती है। ऐसे कई किरदार हैं। एक और किरदार है, मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वो स्पॉइलर बन जाएगा। मैं ज़रूर कहूंगा कि फिल्म का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड हाफ है, जो सेकंड हाफ है वो ज़्यादा रोमांचक है, क्योंकि इस हाफ में अनु कपूर को कई सारे सीन्स मिलते हैं। अनु कपूर करम यानी कि आयुष्मान खुराना के पिता के रोल में हैं, और उनका जो ट्रैक है वो बहुत ही मज़ेदार है। हालांकि बहुत ऐसे मुस्लिम स्टीरियोटाइप्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी इस फिल्म में। आयुष्मान खुराना लाजवाब हैं इस फिल्म में, और वो जिस डिग्निटी और ग्रेस के साथ ये रोल प्ले करते हैं वही इस फिल्म की खासियत है, क्योंकि इस रोल को अगर आप डिग्निटी के साथ नहीं प्ले करते तो ये फिर कपिल शर्मा या कीकू शारदा या जो पलक और गुत्थी जैसे किरदार हम टीवी पर देखते हैं वो उस तरह का ड्रैग क्लीशे बन के रह जाएगा। लेकिन आयुष्मान इस रोल को बहुत ही ग्रेस के साथ प्ले करते हैं, और यही वजह है ये फिल्म देखने लायक है। ये फिल्म मुझे बहुत इतनी ग्रेट नहीं लगी, लेकिन आयुष्मान जो है वो इसमें एक हार्ट लाते हैं, एक चार्म लाते हैं, एक ग्रेस लाते हैं, और शायद इस वजह से आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये फिल्म बहुत बढ़िया है, मैं ये कहूंगा इनफैक्ट कि आप जाएं तो मॉडरेट एक्सपेक्टेशंस लेकर जाएं। ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि आपको बहुत बढ़िया लाजवाब कॉमेडी मिलेगी। अगर आपके एक्सपेक्टेशंस चेक में रहेंगे तो शायद आप ये फिल्म एंजॉय करेंगे।